लेकिन जो आप मजे लेकर खूबसूरत पैकिंग वाली मिठाइयाँ और केक्स खाते हैं वो किस तरह तैयार होती है, क्या कभी आपने सोचा है? बेकरी आइटम रोजमर्रा की बुनियादों पर हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। जब कोई खुशी का त्योहार होता है तो मिठाई बेकरी से ही आनी। इसके अलावा जब किसी की सालगिरह होती है तो अमूमन लोग केक बेकरी से ही खरीदते हैं। इसी सिलसिले में हमें क्वेटा में मौजूद मशहूर बेकरीज की फैक्ट्रियों की कुछ इन्फॉर्मेशन मौसूल है। टीम टारगेट का सोशल मीडिया पेज जो फेसबुक पर आज टारगेट के नाम से मौजूद है, इस पर हमें कई शिकायत मौसूल हुई और फिर कानून नाफिज़ करने वाले इदारों के साथ मिलकर इन लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई ली। ऐसी ही एक कंप्लेन हमें सूबा बलूचिस्तान के शहर क्वेटा से मौसूल हुई। शिकायत के मुताबिक क्वेटा में मौजूद फैक्ट्रियों में बनने वाली मिठाइयाँ और दीगर अशिया नाफिज़ तरीके से तैयार की जाती है। इस इन्फॉर्मेशन के मिलते ही हमने अपने इन्फॉर्मर उस जगह की छानबीन पे लगा दिए। सोशल मीडिया के जरिए मिलने वाली शिकायत बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। आप खुद देख सकते हैं किस गलाजत के साथ यहाँ खाने की अशिया तैयार की जाती है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर SOP से दूर यहाँ पर सफाई का कहीं दूर दूर तक कोई अता पता ना था। वीडियो के मौसूल होते ही हमने रुक किया कराची से क्वेटा शहर का। क्वेटा पहुंचते ही हमने बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के दफ्तर का रुख किया जो कि वहां पर बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया और फिर उस जगह टारगेट करने का फैसला किया। जी ना, इस वक्त हम क्वेटा में मौजूद हैं और माजी में भी हमने बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के साथ काम किया था और अभी बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी जिस तरह काम कर रही है एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं और ये बहुत जरूरी है लोगों को अवेयरनेस देना, लोगों को थोड़ी तंबी देना। अभी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कुछ बेकिंग पॉइंट्स की। उसके अलावा बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के पास एक मशीन आई है। हम सुनते थे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा लेकिन हम कहते थे ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि एक मिनट के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। नकीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नकीब साहब, अभी माजी में भी हमने आपके साथ काम किया और इस वक्त क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के, जो लोगों को एक वार्निंग्स है उसका कितना असर पड़ रहा है? बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी पिछले एक साल से हम लोग यहाँ पे क्वेटा में रेड्स कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग लोगों को जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स उनको SOPs दे रहे हैं। रेवान भाई, दूध का दूध पानी का पानी सुना था, क्या ऐसी मशीन आ गई है जी बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के पास? जी, हमारे पास ये मशीन आई है। हम ऑन द स्पॉट उसमें सारी चीजें चेक करते हैं कि उसमें कितनी पानी की मिलावट है और दीगर उनके जो कंपोजिशन है वो क्या क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। अभी यहाँ से निकलेंगे और हम आपको आगे की सूरत हाल दिखाएंगे किस तरह बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी इस वक्त काम कर रही है। बस फिर क्या था, बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी और टीम टारगेट इस मिशन पे निकल पड़ी। पतली पतली गलियों से होते हुए हम उस मकाम पर जा पहुंचे जहां की इतला थी। अंदर घुसते ही गंदगी और बदबू ने हमारा इस्तकबाल किया। अच्छा जी, जैसे अंदर आए वहां पे गंदगी ने जो है वो इस्तकबाल किया है। क्या चीज है बेटा? बड़ा ही कोई अजीब सी सूरत हाल है इधर की। हमारे आते ही फैक्ट्री में एक भगदड़ मच गई। ये गुलाब जामुन चमचम जो हम बड़े शौक से खाते हैं ये देखें, और ये इन्होंने बस अभी देख कर ही गंदा कपड़ा को ढक दिया। शलवार के साए तले गुलाब जामुन और चमचम को रखा गया था। ये शलवारें लड़की में गंदी और ये देखें नीचे गुलाब जामुन रखी हुई है। यही तरीका है बनाने का? जी सर, ये तरीका है बनाने का। मास्क के मास्क को सर, जितनी मास्क के अलावा ये खुला हुआ पड़ा हुआ है, ऊपर गंदी शलवारें हैं, नीचे गुलाब जामुन पड़ी हुई है, यार यही खिला रहे हो हम लोगों को तुम लोग? बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के मुताबिक इन्हें कई दफा SOP जारी की गई, मगर इन्होंने इस पर अमल नहीं किया। इसके लिए अलमारी भी लाया हुआ है सर, अभी SOP दे दिया गया 3-4 मरतबा। पहले SOP दिया आपको? पहले SOP दिया यार, मतलब कोई गवर्नमेंट मजाक है आप? नहीं नहीं सर, पहले भी निदाय बाजी आया था, ये देखो 1.5 लाख रुपए हमने रंग फिर लगाया। जानवरों की अंकड़ियों और चर्बी से बनने वाला तेल
जो हम आपको माजी के प्रोग्राम में दिखा चुके हैं वो यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा था। क्या पोजीशन है जी? हमारी जो है बाहर से आती है, सारे जो है ये मुर्दे जानवरों के जो अजा होते हैं उनसे बनती है। ये वही ऑयल यूज हो रहा है यहाँ पे। उसके अलावा जो है ये डब्बे रखे हाइड्रोजन पराक्साइड लिखा हुआ है। बिल्कुल, ये हाइड्रोजन पराक्साइड का ये डब्बा कितना खतरनाक होता है, ये कितना खतरनाक हो जाता है। ये ज्यादातर जो यहाँ पे नहीं तैयार होती है, बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी ने इसको बैन किया, ऑलरेडी इस पे बैन लगाई हुई। यार ये ऊपर से कोई गंदा जानवर गिरे, कुछ गिरे तेल में, ऐसा पक जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यार बच्चों की मन पसंदीदा क्रीम रोल की तैयारी भी पिछली चीजों से अलग ना थी। क्या तैयार हो रही है? सर ये बच्चों के लिए जो नहीं है, जो ये बच्चे क्रीम रोल वगैरह खाते हैं वो बन रहा है।